हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुनम्स मंत्रा। सो फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एचपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर, जिसके हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। सो क्वेश्चन नंबर 31 जो है, 31 से मैथ सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो इसलिए मैथ सेक्शन हम बोर्ड पे सॉल्व करके देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 31 है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन फिट इन अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज। उस छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो एक घनीय बर्तन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है पूरी तरह समा सकती है। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि घन किस तरह का होता है। ओके, इस तरह कुछ इस तरह का घन हमारे पास होता है। सो अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें, इस घन में हमने एक रॉड डालनी है। सो उस रॉड की हमने लेंथ फाइंड करनी है, और रॉड भी किस तरीके से, रॉड जो है हमने तिरछे साइड से डालनी है, बिकॉज यहाँ पर हमने क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे लंबी जो रॉड है उसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है जो इसमें समा सके। सो अगर आप रॉड को ऐसे डालेंगे तो वो रॉड छोटी होगी, बट अगर आप रॉड को इस तरह से इसमें डालेंगे तो इस ये जो रॉड होगी ये सबसे लंबी होगी। इस तरीके से ये हमने फाइंड करना है। बेसिकली हमने फाइंड करना है इसमें डायगनल, घन का डायगनल फाइंड करना है। ओके, सो घन का डायगनल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3 इंटू साइड। अब आपको साइड ऑलरेडी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, इसका जो है डी आंसर, 31 का जो डी आंसर है दैट इज द करेक्ट आंसर। कभी भी डायगनल क्यूब का डायगनल फाइंड करने का क्वेश्चन आए तो आपने फॉर्मूला याद रखना है अंडर रूट 3 इंटू साइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ डायगनल ऑफ अ स्क्वायर इज 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें स्क्वायर का डायगनल गिवन है। इस तरह से हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर का डायगनल हमें गिवन है, और डायगनल है इसका 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। हमने इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, देखिए डायगनल हमें गिवन है, सबसे पहले हमें स्क्वायर की साइड फाइंड करनी पड़ेगी तभी हम एरिया फाइंड कर पाएंगे। सो साइड फाइंड करने के लिए देखिए हमें डायगनल गिवन है, और वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द डायगनल ऑफ अ स्क्वायर। ओके, डायगनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है अंडर रूट 2 इंटू साइड। साइड को भी यहाँ पे ए लिख रही हूँ। ओके, सो अंडर रूट 2 इंटू ए जो है वो 4 अंडर रूट 2 के इक्वल है, बिकॉज डायगनल ऑलरेडी हमें गिवन है। सो अंडर रूट 2 इंटू ए इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। फ्रेंड्स, अंडर रूट 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको जाके अंडर रूट करेगा डिवाइड। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, आपकी साइड आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो आप एरिया इजिली फाइंड कर सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। सो साइड है 4 4 इंटू 4 4 4 16, और आपका जो है एरिया में हमेशा याद रखना लगता है स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो आपका जो 32 का है बी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 180 and 6 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर इज 30 फाइंड द अदर। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एंड वन नंबर गिवन है, जिनका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है उसका एक नंबर गिवन है, और हमने फाइंड करना है अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है वो हमने फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स, इसमें एलसीएम दे रखा है आपका 180
एंड HCF दिया है 6 और 1 नंबर दिया है आपका 30, अदर नंबर हमने फाइंड करना है। सो इसका फॉर्मूला है, अगर ये तीन चीजें गिवन होती हैं, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट। LCM गिवन है, यहाँ पुट कर लीजिए 180 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एक नंबर तो हमें पता है 30 इनटू जो सेकंड नंबर है वो हमें फाइंड करना है। सो अदर नंबर की जगह हम अदर नंबर ही राइट कर देते हैं। नाउ ये 30 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके इसको करेगा डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल, 3 टू जा 6, 18 टू जा 36। इट मीन्स कि आपका जो अदर नंबर आया वो आया 36। सो जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट -3, -4 एंड 1, -2 इज डिवाइड बाय वाई एक्सिस इन द रेशियो ऑफ। सो हमने रेशियो फाइंड करनी है, इसमें टू पॉइंट्स दिए गए हैं वाई एक्सिस पे और हमने उनके बीच की रेशियो फाइंड करनी है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम वो 10th क्लास की बुक में से लिए गए हैं। सो आपने फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने के लिए 10th लेवल का मैथ्स जो है वो प्रिपेयर करना है। ओके सो इसमें जो है वो टू हम लाइन ले लेते हैं जो वाई एक्सिस पे है। सो इसका जो 1 पॉइंट है दैट इज गिवन हियर -3, -4 एंड जो सेकेंड पॉइंट है वो दिया गया है 1, -2। हमने क्या करना है, इसके बीच की रेशियो फाइंड करनी है। ये बाई एक्सिस है, इसको हम मान लेते हैं बाई एक्सिस पे जो एक्स की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। ओके वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है और वाई की वैल्यू वाई ही रहती है। अब फ्रेंड्स ये हमने रेशियो फाइंड करनी है इसकी, सो इसको हम मान लेते हैं के रेशियो 1। इसमें आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 into x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। इसमें जो m1 और m2 है वो आपका ये है, m1 k है, m2 आपका 1 है और x1 ये रहा -3, y1 रहा -4 एंड ये रहा आपका x2 और ये रहा आपका y2। ओके सो इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यूज। m1 है आपका k into x2 है आपका 1 प्लस m2 है आपका 1 into x1 है आपका -3 अपॉन m1 plus m2। m1 आपका k है प्लस m2 आपका 1 है। अब फ्रेंड्स ये वाला आपको पुट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें k की ही वैल्यू फाइंड करनी है और k की वैल्यू हमें यहीं से मिल जाएगी। ओके अब ये जो हमने अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका जो है ये सेक्शन फॉर्मूला इक्वल होता है मिड पॉइंट के। ओके अगर यहाँ पे जो x वाली वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी ये सारा, और ये जो y वाली वैल्यू है ये y के इक्वल होगी। सो यहीं पर हम इसके वैल्यू इज इक्वल टू 0 है क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। सॉल्व करेंगे k इंटू 1 k प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 3 अपॉन k प्लस 1 है, जब आप इक्वल टू किधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके क्योंकि डिवाइड कर रहा है, यहां जाके 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। नाउ k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये माइनस का 3 है इज इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा। सो k की वैल्यू आ गई 3, यहां पुट कर दीजिए, सो रेशियो आ जाएगी आपकी 3:1। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें आपको मीन गिवन है 75, मीडियन गिवन है 60 एंड आपने मॉड फाइंड करना है। मीडियन गिवन है और मॉड फाइंड करना है, सो फॉर्मूला रहता है आपका 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब 3 इंटू मीडियन है आपका
आपका यहाँ पे 60 माइनस 2 इंटू मीन है आपका 75, सो 63 इज 180 माइनस 75 टू इज 150, 180 माइनस 150 होता है 30, सो 35 का जो आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 36 है, नंबर 36 दे रखा है आपको, इफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज. इट मींस कि अगर आपका जो पैरामीटर है स्क्वायर का वो सर्कल के पैरामीटर के इक्वल है तो उनके एरियाज का रेशियो हमें फाइंड करना है. सो आप सभी जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड. साइड को हम ए ले लेते हैं, इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr. फ्रेंड्स यहाँ से हम आर फाइंड कर लेते हैं, सो 4a अपॉन क्या हो जाएगा, इस 2π को यहाँ भेज देंगे, यहाँ आके ये डिवाइड करेगा इसको, इज इक्वल टू आर. सो ये आ जाएगा आपका, देखिए कट जाएगा, 2 × 4, सो ये आ जाता है आपका 2a अपॉन पाई. पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7. इस 22/7 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो इसको जाके ये करेगा मल्टीप्लाई और हो जाएगा उल्टा 7/22. 2 से कट जाएगा, 2 × 11 = 72. सो आपका जो ए आर की वैल्यू आई वो आती है यहाँ पे 7a/11. ओके नाउ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर. ओके पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 है, इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 7a/11 है, 7a/11 टू टाइम्स हम देख देंगे बिकॉज आर स्क्वायर है. अब 11 × 11 = 22, 7 से 7 कट गया, तो हमारा रहता है ये पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 7 = 14a/11. ओके a इंटू ए है, सो a स्क्वायर हो जाएगा. अब ये a स्क्वायर यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इसको हम यहाँ भेजेंगे तो इसको आके ये डिवाइड करेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 14/11. फ्रेंड्स हमने एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर की रेशियो फाइंड करनी थी, सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर. सो ये रेशियो में ही है यहाँ पे, सो इट मींस एरिया ऑफ सर्कल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 14:11. सो इसको हम 14:11 राइट करेंगे इस तरह से, 14:11. ओके सो इट मींस कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है 4 − 4 × 5 + 5. सो फ्रेंड्स बॉड मास अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर बॉड मास की वीडियोस आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉड मास अप्लाई होगा. सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 × 5 = 20 + 5, मल्टीप्लाई के बाद हम एडिशन सॉल्व करेंगे, 4 + 5 = 9 − 20. 20 को 9 में से माइनस करेंगे आप आंसर आएगा −11. सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 12² + - = 13 का स्क्वायर. सो ये 38 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमें इसको फिल करना है 12² + यहाँ पर हम क्या लिखें कि वो 13 के स्क्वायर के इक्वल हो जाए. सो फ्रेंड्स 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस यहाँ पर क्या लिखें, 13 का स्क्वायर होता है 169. सो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे 25 लिखेंगे, 144 में 25 ऐड करेंगे तो 169 आंसर आएगा. सो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर. सो इट मींस 38 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 39, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² − x + 1/8. इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 39 है 2x² − x + 1/8.
ओके सबसे पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, 8 यहाँ पे अपॉन में है, इसको हमने खत्म करना है, तो हमें एलसीएम लेना होगा सबका। एलसीएम जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा कि मल्टीप्लाई हो जाता है इससे डायरेक्ट, 2x 16x² - 8 × x 8x प्लस इसके अपॉन में 8 है, सो 8 एज इट इज, 8 × 1 = 8, 1 × 1 = 1 ओके। इसके अपॉन में 8 है सो हम 1 एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, अगर अपॉन में 8 नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। अब देखिए इक्वल टू 0 होता है, इस 8 को यहाँ भेज देंगे ये हो जाएगा 0 ओके। सो आपके पास रहता है 16x² - 8x + 1 = 2। इसको स्प्लिट करेंगे हम, मल्टीप्लाई करके आपका 16 आना चाहिए प्लस माइनस करके -8 आना चाहिए। सो एज यू ऑल नो 4 × 4 = 16 एंड 4 + 4 आपका -4 + 4 = 8 आ जाएगा ओके। सो इसको स्प्लिट करेंगे हम 8 को, यहाँ पे क्या लिखें 4x - 4x ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 4 + 4 = 8 हो जाता है, +1 = 0 कॉमन लेंगे। 4 16x² - 4x में से 4x कॉमन है, यहाँ आ जाएगा 4x - 1, इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन है, सो ये आ जाएगा 4x - 1 = 0। अब 4x - 1 को भी 0 को इक्वल कर देंगे, इस 4x - 1 को भी 0 के इक्वल कर देंगे हम, 4x - 1 = 0 एंड 4x - 1 = 0। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, सो 4x = ये -1 है, इक्वल टू किधर जाके प्लस का हो जाएगा, x = आ जाएगा 1/4, इन दिस स्पेस का भी 4x - 1 ही है, सो इसमें भी x की वैल्यू आपकी 1/4 ही आएगी। सो इट मीन्स कि इसके जो जीरोज आए, इसके जो रूट्स हैं, वो आते हैं आपके 1/4 एंड 1/4, सो बी इज द करेक्ट आंसर। 39 का जो बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका, 1 - 10² = 45° / 1 + 10² = 45°। फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, टेन 45° की वैल्यू होती है 1 ओके, यहाँ पे पुट कर देंगे 1 - 1² / 1 - यहाँ पे भी टेन 45 की वैल्यू 1 स्क्वेयर लगा है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वेयर लगाया, 1 - 1² = 1/1 - 1² = 1 ओके। सो सॉरी यहाँ पे प्लस है, सो यहाँ पे प्लस राइट करेंगे, प्लस 1 - 1 = 0/2 और 0/2 होता है 0। सो फ्रेंड्स ये था मैथ सेक्शन, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, टिल देन ओके बाय, टेक केयर।